अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खुश होंगे और मुंतजर होंगे, क्योंकि आपके कहने के अकॉर्डिंगली के कोई अपनी जो कोलीग है और जो अपनी फ्रेंड है फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड हीरोइन है, उसका भी जरूर इंटरव्यू करें। तो एक आज ऐसी खातून, ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसी आइकॉनिक पर्सनैलिटी जिसने फिल्म इंडस्ट्री में धूम मचा दी और आज तक उसका सिक्का चल रहा है, उसका राज है और वो हर दिल अजीज भी है। हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहती है, चाहे कोई भी हालात हो, कैसे भी हालात हो, गम में भी मुस्कुराना मैंने इनसे सीखा है। बहुत बड़ी डायरेक्टर, वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री। शी इज वंडरफुल एक्ट्रेस एंड शी इज वेरी रियली रियली नाइस फ्रेंड। अब आप काफी समझ गए होंगे, उच्ची लंबी गोरी चिट्टी नार है, धड़ंग पड़ंग किस्म दी, जो आती है तो छा जाती है। मेरा मतलब है, समझ गए होंगे जी, मेरी और आप सबकी बहुत ही हर दिल अजीज, बहुत ही प्यार करने वाली मैडम संगीता। मैडम संगीता, वेलकम टू माय शो। अजीब लग रहा है ना, तो मैं मैडम बोल रही हूँ आपको, खबरदार बोली दो। तो बात ये है कि जब हम होते हैं दूसरी जगह तो हम फ्रेंड फ्रेंड जो होते हैं, बहुत दरीना दोस्त, वो और तरह से बात करते हैं। अब चूंकि ऑन स्क्रीन आप लोगों के सामने, तो मैं मैडम कह रही हूँ तो इससे बड़ा ऑड सा लग रहा है। हाँ जी, अच्छा मैडम ये बताएं आप कि मैडम नहीं कहना बस। अच्छा संगीता जी, गल सुन प्रवीन। असल नाम है ये प्रवीन। मेरी शहजादी गोरी चिट्टी, मैं इसके रंग से मैं बहुत जेलस और कॉन्शियस होती थी, और ये मेरी आंखों को देख के ना, जब दोनों इकट्ठे मेकअप करते थे, बड़ी बड़ी आंखें ये बनाती थी और व्हाइट पैनकेक में किए जाती थी कि ऐसी गोरी हो जाओ। बहरहाल फिल्म इंडस्ट्री में हमारा और आपका ऑलमोस्ट एक ही एक टाइम पीरियड एक जैसा रहा है, और अब हम दोनों एक एक्सपीरियंस्ड मैच्योर्ड और सीजनड आर्टिस्ट भी हैं। बिल्कुल। तो आप मुझे ये बताएं कि फिल्म इंडस्ट्री में आपने कितनी स्ट्रगल की? बहुत स्ट्रगल की। एक्टिंग मैंने 3-4 साल ही की, लेकिन मुझे एक्टिंग करना नहीं अच्छा लगा। वो एक उम्र होती है कि क्या बनना है जी, तो उस वक्त मैंने ये सोचा कि मुझे डायरेक्टर बनना चाहिए। ग्रेट। और डायरेक्टर ऐसी बनी है कि कमाल कर दिया है, सारे बड़े बड़े ऊंचे लंबे लोगों को ये जब डायरेक्शन में अपनी आई पे आती थी, ओए इधर करो, ये ऐसे करो, वैसे करो, तो मतलब एक धान पान सी लड़की के बाद ये बड़ी दबंग किस्म की खातून बन गई हैं अब। तो मैं यही कहूंगी कि एक डायरेक्टर और एज एन एक्ट्रेस दोनों में क्या डिफरेंस और क्या डिफिकल्टीज का आपको सामना करना पड़ा? मुश्किलात तो हमेशा ही आती हैं, आप लोगों को पता ही है कि किसी चीज को पाने के लिए मुश्किल वक्त से गुजरना ही पड़ता है। बहरहाल मेरी पहली फिल्म थी सोसाइटी गर्ल, जिसमें तुमने काम किया था। तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है, आज तो प्यार में मर जाने को जी चाहता है। नाज़रीन आप बताएं मुझे, वो जो आपने पैरों से शॉट लिया ना, वो डिटेल आप बताएं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी डायरेक्टर ने म्यूजिक काट दिया। मैं वाइफ थी कि जब एक सीन चलता है तो निशु कहती है क्या, तो मैंने स्टार्ट ही वहां से लिया, तेरे कदमों में, पूरे हॉल के क्लैप, पूरे हॉल के अनडाउटेडली। एंड इट वाज, ये जो क्लाइमेक्स होता है ना, ये फिल्म का क्लाइमेक्स था, क्योंकि सारे आउटडोर में इसने मुझे भगाया। मैंने वो गाना गाया, तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है, घोड़े पे मैं सवार हुई, पत्थरों पे मैं टकराई, और इसने फ्रेम रखा है पैरों पे और खुद आई और वही सैड सॉन्ग गाया है, और ये पूरे हॉल की क्लैप ली, और इस एक शॉट के लिए फिल्म वाज सुपर हिट। बिल्कुल। अच्छा करियर को आपने बहुत कामयाबियां देखी, जो आप एक औरत की एक मिसाल होती है कि वर्किंग वुमेन और हाउसवाइफ, इन दोनों में आपको इन दोनों का टकराव नहीं हुआ ठा करके? बड़ी दफा हुआ। फिर क्या हुआ बच्चों को? हाँ, बच्चों को संडे का टाइम होता था, पूरा टाइम देती थी, इवन सुबह सुबह स्कूल छोड़ने भी मैं जाती थी। अच्छा। क्योंकि मेरी बेटियां थी तो मैं
ट्राइबल, मैं समझ गई। तो शुक्र है, मैं अब सोचती हूँ कैसा वो वक्त था, वो गुजर गया, बच्चियों की शादियाँ हो गई, सब अपने घरों में सेट है और मैं फिर अकेली हो गई। ये सारे काम करके हम फिर कुआरे के कुआरे रह गए। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। इनके लिए एक शेर है जो मैं जरूर सुनाऊंगी कि जिनसे मिलकर जिंदगी से प्यार हो जाए तुम्हें, जिनसे मिलकर जिंदगी से प्यार हो जाए तुम्हें, आपने देखे ना हो शायद कुछ लोग ऐसे भी हैं, इतनी प्यारी हैं, इतनी लविंग हैं। अभी भी इसने, मैंने कहा कि यहाँ तो मैडम कह रही हूँ, मैं क्या प्रवीण, मैंने इंटरव्यू करना तेरा, जल्दी से तैयार हो जाना, फटाफट उठी और जल्दी इधर इसने थोड़ा बहुत अपना ठीक। हालांकि ये टाइम था हम दोनों का बातें करने का, रात को मैंने फोन किया, मैंने कहा मैं कल जा रही हूँ वापस, तो सुबह सुबह नाश्ता करेंगे, फिर हलवा पूरी वगैरह हमने धूप में बैठ के खाया। इसने कहा तैयार हो जा, फिर मैं चुप कर गई, मैंने कहा इसकी बात नहीं मैं टाल सकती। बड़ा थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू कि आप मेरे पुराने ताल्लुकात अभी तक एहतराम भी करती हैं और ख्याल भी रखती हैं। अच्छा परवीन जी, आपको कभी सेट पे कोई ऐसा वाकया जिससे आप डिसहार्ट हो गई हो कि जाए ना मैं फिल्म बनाऊंगी और ना मैं फिल्मों में काम करूंगी, कोई ऐसा है? ऐसी की तैसी कोई ऐसा करके तो देखे वाह, कमाल कर दिया है माशाल्लाह। अब कराची का जो एटमॉस्फेयर है और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बारे में मुझे आप बताएं, ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि आपने जाना है, एयरपोर्ट का टाइम हो रहा है, कि फिल्म के रिवाइवल के लिए हम क्या करें? देखिए हमारे दौर में जो फिल्म के अंदर आर्टिस्ट होते थे उनकी एक झलक लोग नहीं देख सकते थे, और आजकल जो है टीवी पे आप बगैर पैसे दिए आप फिल्म की तरह टीवी पे ड्रामों में देख रहे हैं, वही फिल्म में है, तो ये फर्क होना चाहिए। जो फिल्म के आर्टिस्ट हैं वो फिल्म के ही रहें और जो टीवी के आर्टिस्ट हैं वो टीवी में रहें। लेकिन मुझे लगता है कि शायद फुकदान है आर्टिस्टों का, इसलिए लोग टीवी के आर्टिस्ट को लेके फिल्म बना रहे हैं। नो डाउट फिल्म ड्रामों में बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और बड़े बड़े अच्छी लड़कियां, खूबसूरत, प्यारी प्यारी, लेट्स सी क्या होता है। बहरहाल हम, मैं ये सोचती हूँ। ये बहुत अच्छी सोच है आपकी। अभी माशाल्लाह आप तो मुसलसल काम करती चली आ रही हैं, एज अ डायरेक्टर भी, एज एन एक्टर भी। अब मुझे बताएं जो फ्यूचर प्लान है, ये जो अभी आप जिस ड्रामे के सिलसिले में आई है वो कौन सा ड्रामा है? दो बूंद पानी। दो बूंद पानी, ग्रेट। घर पे है ये, जो पानी नहीं होता जी, या छप्पड़ होते हैं पानी से भरे हुए बारिश के, जानवर भी पी रहे और इंसान भी पी रहे। वाह, ये वो दिखाया है। गुड। ये एक आर्ट मूवी भी चुकी तो जो पूरी दुनिया के फेस्टिवल में जाएगी और टीवी ड्रामा भी होगा। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। तो महकमाए जो आप है वो उसको, उसके दिलों पे भी कुछ रहम आएगा और रहम आएगा कि लोगों के लिए पानी को वो बहुत साफ तरीके से, बेशक वो वहाँ पर ट्यूबवेल लगा के ताकि अंदर से पानी निकले, तो वो बिल्कुल पीने के लिए तो हो ना, प्यास के लिए लोग मरते हैं। बिल्कुल सही है, ये तो पानी जिंदगी है दुनिया में। अब तो दुनिया में बिल्कुल कमी हो रही है पानी की। बिल्कुल बिल्कुल, पानी तो, पानी मुख्तलिफ जगहों पे कहते हैं ना, डिफरेंट जगह पे डिफरेंट रंग होता है। अगर जमीन पे गिरा हो तो पानी है, आंखों में हो तो आंसू है, और प्यासे को मिल जाए तो जिंदगी है। बहरहाल दो बूंद पानी मुझे बहुत अच्छा नाम लगा, और मेरी दोस्त इतने अच्छी डायरेक्टर है, डेफिनेटली ये बहुत अच्छा बनाएगी। हम इंतजार करेंगे इस ड्रामे का, और अब आप लाहौर कब आएंगी अगले इंटरव्यू के लिए? मैं आपकी जान नहीं छोड़ूंगी। जब आऊंगी इंटरव्यू दूंगी। प्रॉमिस। नाज़रीन ये खूबसूरत बात है कि एक दफा ये हम दोनों एक शूटिंग कर रही थी तो इन्होंने मेरा बाजू पकड़ा, कहती तुझे पता है तू तो इतनी सी छिलतर सी है, छुड़ा के दिखा बाजू। ऐसे पकड़ा मैंने, ऐसे ऐसे किया, मैं नहीं छुड़ा सकी, पर मैंने छुड़ा लिया। कहती मेरी जान देखो कि मैं, मेरे से छुड़ाना बहुत मुश्किल है। कहती मेरे में जान बहुत है। मैं कहा मेरे में प्रैक्टिस बहुत है। थैंक यू सो मच मेरी जान, थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। बहुत अच्छा लगा और बड़ा मजा आया, बेतकल्लुफ दोस्त ने जो कहती है मैडम ना कहो, ठीक है तो ये भी कहती है चल नहीं शो। और मैं आउटडोर जाऊं, मेरा बड़ा ख्याल रखती है ये, इसे पता है ना मैं जरा डरपोक सी हूं। तो थैंक यू सो मच, यू वेलकम। ओके नसरीन, अगली वीडियो में फिर इनको पकड़ूंगी, अब इन्होंने प्रॉमिस किया उन्हें। अपनी निशो को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।